हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल मिलेंगे कि दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है या 3 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, 4 गुनी लंबाई तक, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सीधा एक फॉर्मूला होता है कि जो नया प्रतिरोध निकालना होता है हमें, ठीक है, हमें जो नया प्रतिरोध निकालना होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आर डेस बराबर एन स्क्वायर आर। सिर्फ आप इसको याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, नया प्रतिरोध आर डेस है तो निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? नया प्रतिरोध निकालना है हमें। नया प्रतिरोध हो जाएगा हमारा आर डेस बराबर एन स्क्वायर। एन क्या होता है? लंबाई, कितनी लंबाई तक खींचा जाता है? 2 गुनी लंबाई तक है तो 2 लिखेंगे इनके जगह, पे इसका करेंगे स्क्वायर इंटू आर। प्रतिरोध आपको यहाँ पे दिया गया है 8 ओम, तो लिखेंगे 8, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 गुणा करेंगे, हो जाएगा 32 ओम। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 32 ओम। आंसर क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि तिगुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो सिर्फ एन की जगह पे आप 3 रख देंगे, बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इस प्रकार से, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप लोग सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट सवाल के साथ।